हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक और वीडियो में मैं गुरनाम आपका स्वागत करता हूं। और आज हम शुरुआत करने वाले हैं किंग कार से। मनी माजरा में हूं मैं अभी, चंडीगढ़ में। सो सबसे पहले ऑल्टो है हमारे पास 2008 मॉडल। 1,60,000 की डिमांड है इस गाड़ी की, और इस गाड़ी की डिमांड वैसे भी बहुत ज़्यादा रहती है क्योंकि सबकी फेवरेट कार है ये। और मेरा एक फ्रेंड है आकाश, वो भी मुझे बोल रहा था। सो आकाश, यू कैन चेक आउट, पसंद आती है तो भाई कॉन्टेक्ट कर लेना। आगे आ जाती है हमारी लारा ब्रेज़ा, HR रजिस्टर्ड है ये गाड़ी, और BDI मॉडल है। TDIS अलॉय व्हील डले हुए हैं, TDIS है। और डिटेल मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी डिटेल है, 2016 मॉडल है, ऑप्शनल BDI। 6,95,000 इसका प्राइस रखा गया है, एंड गाड़ी की कंडीशन काफ़ी ठीक ठाक है। और पीछे से और ऐसा है कि आप जैसे काफ़ी फ्रेंड्स के फ़ोन भी आते रहते हैं। सो ये रही विटारा ब्रेज़ा। एक और मेरे नॉन में थे जो विटारा ब्रेज़ा के लिए स्पेशली डिमांड कर रहे थे। तो पीछे देखो, 4 पार्किंग सेंसर्स भी इस में लगे हुए हैं। और एक विटारा ब्रेज़ा मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के एंड में, रेड कलर की है। उससे पहले मैं आपको ये SUV दिखा देता हूँ। हरियाणा में रजिस्टर्ड है ये गाड़ी, और इस गाड़ी का इस सेगमेंट में आज तक कोई तोड़ नहीं आ सका है। बहुत ही प्रैक्टिकल गाड़ी है, और 2013 मॉडल है ये ZLX। 4,25,000 रुपये इसकी डिमांड है। फर्स्ट ऑनर है, दोनों कीज़ आपको इसकी मिल जाएंगी। और गाड़ी की ओवरऑल कंडीशन अगर हम देखें, मैं आपको एक बार अंदर से झलक दिखा देता हूँ, तो काफ़ी परफेक्ट कंडीशन है गाड़ी की। एंड बैक साइड में चलते हैं, ये रही ZLX की वेजिंग। टायर बिल्कुल नई कंडीशन में पड़ा है, ये देखो। सो ये है इसकी सारी डिटेल्स। और इसके साथ आगे देखते हैं तो आ जाती है हमारे पास विटारा ब्रेज़ा, विटारा नेक्सॉन और वेन्यू की राइवल्स, जो भी है किया सोनेट, जिसने काफ़ी अच्छा नाम बना लिया है। सो ये है इसकी कंडीशन। पीछे से काफ़ी अच्छा डिज़ाइन लगता है, TGDI मॉडल है ये। और ऊपर रूफ रेल्स आपको मिल जाएंगी, शार्क फिन एंटीना। और इस गाड़ी की इकोनॉमिक माइलेज और बूट स्पेस की, स्पेस की बात करें तो वो भी अच्छा है। अंदर से देखो, इंटीरियर काफ़ी अच्छे हैं। एंड चलिए अब देख लेते हैं इसकी डिटेल। सो 20 मॉडल है ये, मैन्युफैक्चरिंग 21 में रजिस्टर्ड है। फुल इंश्योरेंस है, 11,50,000 का डिमांड है। सो फ्रंट इसका काफ़ी अच्छा लगता है, मिलीजुली रखती है किया सेल्टोस जो है इनका बड़े वाला मॉडल। सो आगे से काफ़ी अच्छी अट्रैक्टिव लुक लगती है। डीजल वेरियंट है ये गाड़ी, बाकी सब आपको इस गाड़ी के बारे में पता ही है। बहुत अच्छा नाम कमा चुकी है, हुंडई की वेन्यू प्लेटफॉर्म पे ही ये गाड़ी बनी हुई है। सो इन केस अगर आप किया सोनेट परचेज करने की सोच रहे हो और आपके पास बजट ज़्यादा नहीं है, वेटिंग पीरियड का भी आप इंतज़ार नहीं कर सकते, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बाकी रही बात यार कॉन्टैक्ट की, तो वो आपको मैं हर येलो पेज जो गाड़ी के ऊपर लगा हुआ है उसके ऊपर दिखा भी रहा हूँ, और आप पॉज करके देख सकते हो। उसके बाद है ये सेडान, अगर मारुति की अगर आप लेना चाह रहे हो, 2011 मॉडल है। और इस गाड़ी की खास बात है कि इसमें एयर बैग भी आपको मिलेगा, ABS भी मिलेगा। सो डिटेल देख लेते हैं एक बार। 2011 मॉडल टॉप मॉडल है, 2,75,000 रुपया डिमांड रखी हुई है। सो ये भी आप एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। आगे चलते हैं, स्विफ्ट डिज़ायर हरियाणा में रजिस्टर्ड है ये गाड़ी, और 2013 मॉडल लग रही है मुझे, मतलब जो इसकी लुक है। बाकी देखते हैं 2014 मॉडल, ZXI, यानी कि पेट्रोल वेरिएंट है ये गाड़ी, और 4,35,000 इसका डिमांड प्राइस रखा गया है। बहुत ही किफ़ायती गाड़ी है ये, चाहे डीजल में हो चाहे पेट्रोल में हो। देखिए मारुति की तो आप कोई भी गाड़ी उठा लीजिए, जो मारुति ने कंपनी रेटेड माइलेज दे रखी होती है ना, वो हमेशा उससे ज़्यादा ही आपको देने वाली है। चलिए इंटीरियर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। टच पैनल इसमें लगा हुआ है। 14 में इसका जो म्यूज़िक सिस्टम था वो भी चेंज कर दिया गया था कंपनी की तरफ से, जो डिज़ाइन था पहले जो आता था वो चेंज कर दिया गया था। सो यही रीज़न है मारुति की कार्स का, कि एक तो लेस मेंटेनेंस होती है, मेंटेनेंस फ्री होती है, बस सर्विस करवाते रहो टाइम टू टाइम, एंड आप वो गाड़ी चलाते रहो। और दूसरी बात कि जब आप दोबारा सेल करना चाहो तो जल्दी से ये बिक भी जाती है। ZXI यहाँ पे देख सकते हैं, वेजिंग लगी हुई है, स्विफ्ट डिज़ायर। एंड नेक्स्ट है जी एक और स्विफ्ट डिज़ायर HP12, यानी कि बद्दी। ये देखिए 4414 नंबर है, पीछे 4123, एंड वो उस पीछे वाली गाड़ी में भी ये सेंसर, बैक सेंसर, पार्किंग लगे हुए थे, और इसमें भी पार्किंग सेंसर मिलेंगे। अलॉय व्हील यहाँ पे देख सकते हैं आप, स्पेशल डलवाए गए हैं।
और गाड़ी की ओवरऑल कंडीशन अच्छी है, कलर का जो कंट्रास्ट डिजाइन शाइनिंग है वो काफ़ी अच्छा है। बट ये तो बद्दी नंबर है, बट चंडीगढ़ की गाड़ियों की खास बात तो ये होती है कि उतनी ज़्यादा ही रगड़ी नहीं होती है, मतलब साफ़ सुथरी ही होती है, चाहे इंजन की बात करें या बॉडी की बात करें। यहाँ से देखो अलॉय व्हील तो मुझे लग रहा है कि अभी नए ही डलवाए गए हैं, DDIS यानी कि DDIS की वैजिंग, मतलब इससे समझ आते हैं आपकी ये डीजल वेरियंट है। एंड लाइट की जो फ्रंट लाइट्स हैं उनका भी काफ़ी अच्छी है कंडीशन। तो कहने का मतलब है कि एक ही जगह पर आपको दो तीन ऑप्शन एक ही गाड़ी के मिल जाएंगे। और नेक्स्ट आ जाती है जी हमारी हैचबैक, टॉप सेलिंग हैचबैक DDIS। यहाँ पे देख सकते हैं DDIS यानी कि डीजल वेरिएंट है ये, और 2015 का मॉडल है, BDI यानी मिडल वाला मॉडल है, और काफ़ी अच्छी कंडीशन है गाड़ी की। एंड डिमांड प्राइस आपने देख ही लिया, और इंटीरियर काफ़ी नीट एंड क्लीन है गाड़ी के मॉडल के हिसाब से, और ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, काफ़ी अच्छी, अभी और आने वाले काफ़ी सालों तक आप इसको चला सकते हैं। सो ये है जी इंटीरियर्स, एंड बैक साइड से भी कंडीशन मैं आपको दिखा देता हूँ। हरियाणा में रजिस्टर्ड है ये गाड़ी, BDI की बैचिंग, एंड अलॉय व्हील मैंने आपको दिखा दी है। ये अलॉय व्हील की सबकी कंडीशन काफ़ी ठीक ठाक है। BDI में मुझे मालूम है कि ये 25 के आसपास तो माइलेज आपको आराम से दे ही जाती है। 2015 450,000 रखा हुआ है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो रनिंग है काफ़ी ज़्यादा है, उसके लिए आप एक गाड़ी परचेज़ करना चाह रहे हो, तो 400,000 के बजट में आपको ये बेस्ट ऑप्शन मिल सकता है। नेक्स्ट आ जाती है जी 7-सीटर अगर ऑप्शन आप देख रहे हो, और वो भी टोयोटा का HR12, मतलब HP12 की तरह दिख रहा था वो, बट HR12 नंबर है ये, हरियाणा में रजिस्टर्ड है। एंड इस गाड़ी की डिटेल मैं आपको दिखा देता हूँ, 2011 मॉडल है, 5,20,000 इसकी डिमांड रखी हुई है। सो अगर आपके प्रेफरेंसेस में आती है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये देख लेते हैं रेनॉल्ट की डस्टर यहाँ पे लगी हुई है, बिल्कुल चमचमाती कंडीशन में, अलॉय व्हील डले हुए हैं। और चलो सबसे पहले मैं इसकी डिटेल दिखा देता हूँ। 2013 मॉडल है ये, एंड टॉप मॉडल है ये, फुल इंश्योरेंस, 4,70,000 डिमांड है। सो गाड़ी की कंडीशन काफ़ी अच्छी लग रही है, मतलब ये देखो इंटीरियर्स काफ़ी नीट एंड क्लीन है, और डैशबोर्ड का भी इंटीरियर का डिज़ाइन कुछ अलग ही तरह का है रेनॉल्ट का, और ऊपर रूफ रेल्स लगी हुई हैं, और काफ़ी बड़ा बूट स्पेस आपको इसमें मिलता है। पीछे पार्किंग सेंसर्स भी इसमें लगे हुए हैं, वाइपर भी आपको मिल जाएगा बैक विंडशील्ड पे। सो अगर स्पेस वाइज आपके प्रेफरेंसेस हैं तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाती है एक और महिंद्रा बोलेरो, और इसके लेफ्ट में आप देख रहे होंगे विटारा ब्रेजा, जो हम बाद में कवर करेंगे। इस गाड़ी में भी अलॉय व्हील डले हुए हैं, गाड़ी की आगे से कंडीशन काफ़ी अच्छी है। सो सबसे पहले इसकी डिटेल ही देख लेते हैं, अगर देखें तो 12 मॉडल है, 3,85,000 इसका डिमांड प्राइस है। चारों के चारों टायर नए डले हुए हैं इस गाड़ी में, कंडीशन गाड़ी की ठीक ठाक है। मैं चलो अंदर चल के इसको मैं ओपन करके एक बार इंटीरियर का भी लुक आपको दिखा देता हूँ। तो ये है बेसिक इंटीरियर्स रहते हैं इन कार्स में, मतलब इन गाड़ियों में। सो वुडन का टच अंदर, एक बीच कलर का कॉन्ट्रास्ट आपको देखने को इसमें मिलेगा। सो ये है इसकी अंदर की डिटेल। अब चलिए चलते हैं आगे, और बैक साइड में आपको मैं दिखाता हूँ। बैक में भी आपको रिम यहाँ पे लगा हुआ है, मतलब अलॉय व्हील ही लगा हुआ है, और HR में रजिस्टर है ये गाड़ी, काफ़ी अच्छी कंडीशन। और ये आ गई वो विटारा ब्रेजा जिसका मैंने शुरू में ही जिक्र किया था, पीछे पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे आपको। एंड चंडीगढ़ में रजिस्टर है, ZDI+ है, मतलब कंपनी फिटेड ही अलॉय व्हील आपको मिलेंगे। अंदर चल के देखते हैं इंटीरियर्स। सो इसमें टच पैनल भी मिलेगा, इंटीरियर जो है काफ़ी नीट एंड क्लीन है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे तमाम फीचर्स के साथ लोडेड है ये गाड़ी, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे लगा हुआ है। ओवरऑल कंडीशन, कलर काफ़ी मेंटेन है, ZDI+, मतलब डीजल में है ये वेरिएंट। एक तो विटारा ब्रेजा की वैसे ही माइलेज बहुत ज़्यादा है, आजकल तो खैर ये आ भी नहीं रही है, पेट्रोल वेरिएंट में ही आती है। सो 2016 ZDI+ 7,65,000 की डिमांड है इस गाड़ी की। सो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये बेस्ट इसलिए है कि इसकी माइलेज बहुत अच्छी है, और ऊपर से आजकल डीजल में ये लिमिटेड ही हैं, जो बिक गई हैं वही मार्केट में हैं, इसीलिए इनकी जो रीसेल वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, या फिर इसके प्राइस में ये भी मिल सकती है। तो यही था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।